आइए मुहावरों के विषय में कुछ नया सीखें। पिछली कक्षा में भी हमने मुहावरों के बारे में कुछ सीखा था और आज उसके आगे कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि किस तरह संवाद कविता में हम किस तरह मजेदार तरीके से मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरों में गिनती का प्रयोग हमने सीखा था, याद होगा शायद आपको। हमारे शरीर के अंगों पर मुहावरे भी हमने एक प्रयोग किए थे। तो आइए आज हम कहानी में मुहावरों का प्रयोग करना सीखेंगे और ये सब आपको करना है, क्योंकि प्रयोग आ जाएगा आपको तो फिर परेशानी नहीं होगी किस तरह से प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम कैसे कहानी में प्रयोग कर सकते हैं मुहावरे। तो मुहावरों का प्रयोग करके मजेदार कहानी सुनते हैं, मजेदार है कि नहीं वो आप निश्चित करना। एक लड़का था, वह अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। ऐसा कहा जा सकता है कि वह अपने अंधेरे घर का उजाला था। इस लड़के का नाम रामू था। एक दिन उसे अपना मित्र कालू दिखाई दिया। सब उसे ईद का चांद कहकर बुलाते थे। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वह गांव में कम ही दिखाई देता था। दोनों एक दूसरे को देखकर खूब खुश होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। कि वो जो उसका मित्र था रामू, वो लकड़ी काटने का काम करता था, है ना। रास्ते में शेर को देखकर दोनों के हाथ पांव फूल गए। जैसे तैसे दोनों ने रास्ता पूरा किया। तभी कालू ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। राग अलापना शुरू कर दिया, अपनी बातें बोले जा रहा था। वो ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तरह तरह की बातें वो करने लगा। रामू ने कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, पर हमें रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि मैंने माँ की बात गांठ बांध ली है और मैं यहाँ के रास्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ। रामू ने सफलता के लिए अपनी कमर कस ली। किस चीज की सफलता? कि रास्ता वो लोग भूल गए थे और अपना काम समय से करके लौटने का उन्होंने उसके लिए कमर कस ली थी। और अपने मित्र कालू को शांत किया, क्योंकि वह आपे से ज्यादा ही बाहर हो रहा था। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी और हमने बहुत सारे मुहावरों का इसमें प्रयोग किया। आगे क्या होता है देखते हैं। दोनों का अंग अंग ढीला हो गया। दोनों अटखेलियां करते करते घर पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। दोनों को खूब लकड़ियां मिली। उनकी पांचों उंगलियां धीमे थी। किसी ने सही कहा है कि अगर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया जाए तो एक और एक 11 हो जाते हैं। सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, है ना। देखो, आपको कभी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप क्या करते हो? सब मिलजुल कर करते हो तो जल्दी से हो जाता है ना। जैसे एनुअल फंक्शन हो या कोई भी काम हो, आप मिलजुल कर करोगे तो बहुत अच्छे से उसमें सफलता मिलती है। तो बच्चों, अब मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ कि ये जो कहानी है इसमें बहुत सारे मुहावरे हैं, है ना। मैंने जानबूझकर रेखांकित नहीं किए कि आपको ढूंढने हैं कितने मुहावरे हैं, उनको ढूंढना है, उनके अर्थ लिखने हैं और उन पर आपको वाक्य बनाने हैं या कोई अपनी स्टोरी। ये तो मैंने छोटी सी कहानी बनाई है, आप कोई अपनी कहानी भी उनसे तैयार कर सकते हो। ये सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। समझ आया आपको? तो इतना जो मुहावरे हमने दो कक्षाओं में देखे, इस सब तरह के अभ्यास आप करना है। और अगर कोई कठिनाई हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखते हैं अगली कक्षा में क्या है आपके लिए, ठीक है। तो अगली कक्षा का इंतजार करेंगे कि उसमें हमारे लिए नया नया क्या है।